क्वेश्चन करना है आज, ठीक है। और क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो है आपका टॉपिक लॉज ऑफ मोशन का। यहाँ पे बेसिक से लेकर करके एडवांस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 25-30 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। अगेन जो बुक प्रिफर करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो सिंगेज प्रिफर कर रहे हैं, सिंगेज के बाद सवाल एनसीईआरटी से भी होंगे आपका बेस बुक, और उसके बाद जो है हम लोग अरिहंत का इस्तेमाल करेंगे, और कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो है वो होंगे आपके डीसी पांडे से, अरिहंत में ही डीसी पांडे से सवाल, क्लियर है। तो सबसे पहला सवाल है, अ फोर्स एक्ट फॉर 8 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg आफ्टर विच द फोर्स सीजेस एंड द बॉडी डिस्क्राइब्स 40 मीटर इन 5 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कहने का मतलब है यहां पे कि एक फोर्स लगाया गया 8 सेकेंड के लिए, क्लियर है। एक बॉडी पे जिसका मास 10 kg है, और जब फोर्स सीज किया गया, मतलब जब फोर्स हटाया गया, तो जो बॉडी है वो 40 मीटर का डिस्टेंस चलता है 5 सेकेंड में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो, क्लियर है। समझिए बॉडी सॉल्यूशन, बॉडी चलना इस जगह से स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी तक, इस बॉडी पे T1, समझ रहे मेरी बात, मतलब 8 सेकेंड तक इसके ऊपर फोर्स लगाया गया फ्रॉम ए टू बी। बी पॉइंट पे आने के बाद जो बॉडी है उस बॉडी से के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स को हटा दिया गया, मतलब बी से फोर्स हटाया गया, ठीक है, और बॉडी जो है वो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन टाइम T2 विच इज इक्वल टू 5 सेकेंड, क्लियर है, समझ लो मेरी बात। कहने का मतलब है कि एक बॉडी पे फोर्स लगाया गया जिस बॉडी का मास 10 केजी है 8 सेकेंड के लिए, तो मान लो कि यहां से लगाया गया और ये बी तक आया, तब तक समय जो था वो 8 सेकेंड हो गया, ठीक है, बॉडी ए से बी तक आ गया, यहां पे इसका कुछ डिस्टेंस एक्स रहा होगा, जितना डिस्टेंस में चला होगा, बी पे आने पे, ठीक है, फोर्स हटा लिया गया, क्लियर, गौर करेंगे मेरी बात। बी पे आने के बाद जो है फोर्स जो है वो विथड्रॉ कर लिया गया, हटा लिया गया, फोर्स विथड्रॉ, तो बॉडी बी से सी चला 5 सेकेंड में 40 मीटर, मतलब फ्रॉम बी टू सी द बॉडी मूव्स विथ, क्लियर है, मूव्स विथ कॉन्स्टेंट, या आई विल से मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, होगा ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल किया, क्लियर है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब बी से सी इस पूरे रास्ते पे उस बॉडी की वेलोसिटी जो थी वो यूनिफॉर्म थी, मतलब इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे इस जगह पे बीसी के लिए बात कर रहे हैं, अगर इस डिस्टेंस को हम वाई सपोज कर ले तो वाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है। तो यहां पे इसकी स्पीड वी मान लीजिए, ठीक है, तो वी टी टू होगा, क्लियर है ना। सो यहां से आपको जो v मिलेगा वो v y अपॉन t2 होगा, विच इज 40 जो डिस्टेंस चला, क्लियर है, और टाइम 5, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये 8, क्लियर है। सो 8 मीटर पर सेकेंड जो है ये वेलोसिटी होगी b और c के बीच में, क्लियर है। इसका मतलब b पे कितनी वेलोसिटी है, 8, b पे वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब a से B तक आने में बॉडी 8 मीटर की वेलोसिटी जो है वो गेन कर लेता है, तो अगर वेलोसिटी हमको मिला तो हम यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन A बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस जगह से क्लियर है टाइम कितना है T1, वेलोसिटी कितनी है 8, तो एक्सेलरेशन होगा 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 8 सेकेंड, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मिल गया, क्लियर है। सो अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स एफ बराबर क्या होता है, मास इनटू
एक्सेलरेशन क्लियर है, यहां पे हेयर जो है मास जो है मास इक्वल्स टू 10 केजी, एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कैलकुलेट किया गया हुआ अभी हम लोगों ने निकाला, ये गिवन है क्लियर है। तो एफ जो होगा वो हो जाएगा 10 केजी इनटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है तो फोर्स जो हो गया वो 10 न्यूटन हुआ, तो फोर्स इज 10 न्यूटन। क्लियर है, क्लियर है।